माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को इस महत्वपूर्ण बिल संशोधन लाने के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अभी सौगत राय जी बैठते तो मुझे अच्छा लगता है। उपाध्यक्ष जी, उन्होंने कुछ बातें उठाई थी तो उनको सुनना भी चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये विधि आयोग के परामर्श से ये नया नहीं, ये 1938 के इस बिल को परिवर्तन करने के लिए, चाहे वो 1 जून 2004 का रहा हो, बीमा अधिनियम 1978 के 38 के निरर्थक उपबंधों को हटाने के और नए उपबंधों को जोड़ने का रहा हो, चाहे 7 मार्च 2005 को गठित KPN समिति का रहा हो, चाहे 26 जुलाई 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विषय रहा हो, और चाहे 2006 में विधि संशोधन विधेयक तैयार करने का विषय रहा हो, चाहे उसके बाद मंत्रिमंडल में जाने का विषय रहा हो, 22 दिसंबर 2008 को विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित होता है, फिर वित्त समिति को जाता है, 13 दिसंबर 2011 को समिति अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देती है, 14 नवंबर 2012 और उसके बाद समय समय पर आने वाले जो संशोधन है वो 88 संशोधनों के साथ उस पर भी रख दिया जाता हो। और इतना ही नहीं तो 14 अगस्त 2014 को फिर डॉक्टर चंदन मित्रा जी की अध्यक्षता वाली समिति भी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती हो। मैं समझता हूँ कि ये 2002 से लेकर 2004 से लेकर और अभी तक उसकी कवायद हो रही है और लगातार इसको इस दिशा में प्रस्तुत होना चाहिए। उसके बाद अध्यादेश 2014 को अनुमोदित हुआ और राष्ट्रपति जी ने 26 दिसंबर 2014 को जो अध्यादेश प्रवृत्त किया है उसी को माननीय मंत्री जी इस संशोधन के साथ इस सदन में लाए हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ श्रीमान, इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस देश में जो बीमा क्षेत्र है वो विदेशी निवेश जो 26% से बढ़ाकर 49% करने का इसकी जरूरत थी। अटल जी की सरकार में श्रीमान 1999 के बाद इन 14 साल में कुछ नहीं हुआ, केवल 6 एजेंसियां थी और उसके बाद जो हुआ उसमें, और जब निजी क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में लाया गया, यदि उन दोनों की समीक्षा की जाए तो जमीन और आसमान की समीक्षा होती है श्रीमान। और मैं ये समझता हूँ कि इस निर्णय से ये जो बीमा विधेयक नियमन एजेंसी है उसको अधिकार मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कंपनियों को बढ़ाने की कवायद को बल मिलेगा। और इतना ही नहीं तो मैं ये समझता हूँ श्रीमान, कई बार सौगत राय जी दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भारत केवल ये ऐसा देश है जो बीमा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है? यदि कोरिया, ताइवान, मैक्सिको आदि देशों में बीमा क्षेत्र में 70% विदेशी एजेंसियों को छूट है, मलेशिया में 70% है, फिलीपींस में 51% है, चीन ने 50% तक निवेश करने की अनुमति दी है, विश्व में भारतीय बीमा क्षेत्र में वृद्धि बहुत कम है और ऐसी स्थिति में इसको यदि बढ़ावा मिलता है तो बीमा क्षेत्र से देश विदेशी निवेश के आने से कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी श्रीमान। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो इन कंपनियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का एक नया आयाम लिखा जा सकेगा। क्या हमको आज मालूम नहीं कि भारत में 20% लोगों को भी अभी तक जो है बीमा नहीं है, जबकि अमेरिका आज 90% क्षेत्र में अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा और बीमा दे रहा है। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि इससे आने से उच्चतम प्रौद्योगिकी और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे, वैश्विक स्तर पर कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते इस क्षेत्र में पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, बेहतर निगरानी और तंत्र की स्थापना हो सकेगी। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी चर्चा कर रहे थे आदरणीय सिन्हा जी का, मैं कहना चाहता हूँ कि 1999 में जब पार्लियामेंट्री वित्त स्थायी समिति के आदरणीय सिन्हा जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा, उन्हीं की बात को मैं इस सदन में रखना चाहता हूँ श्रीमान, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में प्रगति हो रही है, कितने ही प्रकार के बीमा उत्पादन विभिन्न देशों में उपलब्ध हैं, परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में यह उपलब्ध नहीं है। देश में बड़ी जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा से कवर किया जा सकता है, बीमा कंपनियां असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन उपलब्ध करवा सकती हैं, जिन लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है उन्हें बीमा कंपनियों का लाभ पहुंचाया जा सकता है, परंतु इसके लिए हमें बीमा क्षेत्र को खोलना होगा।
ये उन्होंने कहा। इतना ही नहीं तो मैं सोचता हूँ कि 4 अक्टूबर 2012 को पी चिदंबरम जी ने कहा कि बीमा क्षेत्र में पूंजी की बढ़ती हुई आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए विदेशी निवेश की नितांत आवश्यकता है। श्रीमान लगातार इस क्षेत्र में लोगों ने अपनी सहमति दी, टिप्पणियां दी, सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को यदि ये सरकार एक प्रारूप में ला रही है इस राष्ट्र की प्रगति के लिए तो मैं सोचता हूँ ये स्वागत योग्य है। इतने नहीं श्रीमान, मैं समझता हूँ कि जनधन योजना का जो विषय है, इस देश में जब प्रधानमंत्री की जनधन योजना होता है 100 दिन के अंदर लगभग 12.5 करोड़ लोगों तक वो जाता है। इतने बड़े देश में अंतिम छोर तक के व्यक्ति को कैसे बीमा हो, उसका सामाजिक सुरक्षा हो उसकी, ये बहुत जरूरी है। तभी संभव है जब यहाँ विदेशी निवेश आएगा और इसमें नौकरियां सृजित होंगी, विदेशी निवेश से देश में रिस्क मैनेजमेंट के उच्चतम परंपराओं को भी हम स्थापित कर सकेंगे श्रीमान। और इतना ही तो जो उद्योग जगत ने भी इसको विशेष करके अपना समर्थन दिया, यहाँ तक कि नियामक एजेंसी के सभापति जय हरि नारायण ने भी कहा कि विदेशी निवेश की परम आवश्यकता है। श्रीमान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में देश में लगभग 52-53 बीमा कंपनियां हैं, 14 जीवन बीमा और 28 गैर जीवन बीमा क्षेत्र है। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। और मैं सोचता हूँ यदि उसको ये बात सही है कि LIC के द्वारा बहुत काम हुआ, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा होगी श्रीमान तो ये काम बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा और इसके आने से, विदेशी निवेश के आने से और जो उपबंध माननीय मंत्री जी लाए हैं, मैं समझता हूँ उससे एक तो जो विलंब होता था, एक्सीडेंट हो जाता था, दुर्घटना हो जाती थी, 1 साल 2 साल 3 साल तक मिलता ही नहीं था, तो ये समय पर पाबंदी होगी, एक निश्चित अंतराल के अंदर मिलेगा। श्रीमान, बीमा उत्पाद का नवीनीकरण होगा, प्रभावी वित्त नियंत्रण प्रणाली का विकास होगा, गांव और शहरों में बीमा कंपनियों का जाल बिछाने से वहां के कार्यालय खुलेंगे, रोजगार को मदद मिलेगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लाखों अवसर होंगे श्रीमान। और बीमा के अछूते देश के 80% से भी अधिक लोगों को बीमा क्षेत्र से जुड़ने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के चलते बीमा क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की तरह ग्राहक सेवा को उच्चतम मानदंड हम स्थापित कर सकेंगे, क्योंकि जब बैंकों का वो हुआ था श्रीमान तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया था। और इसलिए मैं सोचता हूँ श्रीमान ये बहुत अच्छा संशोधन है, मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ।